बद्री केदारनाथ की जो डोली या पालकी आप बोल सकते हैं, वो इसी गांव में रहता है और उस मंदिर का नाम है श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ, ये लिखा हुआ अभी वहाँ पे, दूरी 500 मीटर है। तो अभी पहुंच चुका हूँ मैं फाइनली ओमकारेश्वर मंदिर में। ओम नमः शिवाय। की जो वाणासुर की पुत्री थी उषा और भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध, की भगवान राम के जो पूर्वज थे उन्होंने यहाँ पे सेम जो मधमहेश्वर होता है, मधमहेश्वर के भी 6 महीने कपाट बंद होते हैं, तो जिस टाइम पे कपाट बंद होते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो अभी हूँ मैं चोपता में और यहाँ पे मैं 20 मार्च को आ चुका हूँ और आज है 23 मार्च। तो मैं 2 से 3 दिन में यहीं रहा, एक्चुअली मैं कैंपिंग करनी थी मैंने यहाँ पे, तो कैंपिंग तो मैं कर नहीं पाया। तो मैं कल इसलिए भी रुका क्योंकि जो वेदर अपडेट थी वो ये था कि यहाँ पे स्नोफॉल होगा, जो उत्तराखंड की पीक जो पहाड़ी है जो ऊंचाई पे है, बट यहाँ पे सिर्फ बादल बना रहा और ना 21 को बर्फबारी हुई ना 22 को भी। मैं इसीलिए रुका, 20 को मैं आया था, 20 को मैं लेट पहुँचा यहाँ पे 6 से 7 बजे। तो मैं जो मेरे साथ यहाँ पे सर जी है, अभी आपका गुड नेम सर जी? मेरा नाम सुनील कुमार। हाँ, तो ये यहाँ पे फॉरेस्ट में है, तो इन्हीं का यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो इन्हीं की बिल्डिंग में रहा था मैं, इनके कुछ वहाँ पे काम चल रहा लेबर वालों का, तो कैंपिंग तो कर नहीं सकते थे। तो 22 को मैं यहाँ से चला ऊपर तुंगनाथ, तुंगनाथ से फिर मैं ऊपर जो चंद्रशिला टॉप वहाँ पे भी गया था, उसके बाद 21 को, और 22 को मैं इसीलिए रुका, मैं कहा स्नोफॉल होगा यहाँ पे, बट स्नोफॉल हुआ नहीं यहाँ पे। तो आज यहाँ पे एक्चुअली कैंपिंग क्यों नहीं कर पा रहे, ये भी मैं इन्हीं से पूछता हूँ, कैंपिंग क्यों नहीं कर सकते सर यहाँ पे? वैसे रीजन क्या है? 2018 से पहले यहाँ पे बहुत सारे लेपर भालू रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। कई लोगों को टेंट उन लगा देते हैं, किसी को दिक्कत हो जाती तो हम पे बात आ जाती है। अच्छा। फॉरेस्ट वाले कुछ देखते नहीं है। हाँ। तो हमारे ये आप लोगों से ये दुआ है, कहीं पे कैंपिंग में लगाओ, ऐसे जगह पर लगाओ जहाँ पे लोग है। अच्छा, नहीं मतलब यहाँ पे कहीं लगा ही नहीं सकते? नहीं लगा सकते यहाँ पे, अभी 2000 ये पूरा फॉरेस्ट में आता है, यहाँ पे चालन हो सकता है आपका। अच्छा। कोई भी दिक्कत हो सकती है, हम चालन नहीं है यहाँ पे, ऐसा तो भालू ले पड़ रहता है और आपके छोटे छोटे टेंट है, कोई भी घुस गया तो हम पे बात आती है। बिल्कुल, ये तो सही बात है सर। वैसे मतलब जैसे अगर सपोज करो किसी ने नियम का उल्लंघन कर दिया तो उनके उनके लिए कितना है, मतलब जैसे अगर कोई करता है ना बिना परमिशन के लगा देता है? आप लोग तो आ रखे एक दिन के लिए, आपने तो जाना है, आप लोग हमारी बंदे हैं, बिल्कुल, आपके बिल्कुल हम कुछ बोल नहीं सके। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब परमानेंट यहाँ पे कोई लगा नहीं सकता, एक दिन के लिए भी फॉरेस्ट वाले एरिया में नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, उसका मतलब जो बता रहे हैं आपकी चार्ज लगता है, फाइन लगता है, फाइन चार्ज होता है। तो भाई अगर आप आते हो यहाँ पे तो जैसे कि सर बता रहे हैं हमें, यहाँ पे कैंपिंग नहीं करनी है आपने, कैंपिंग करना अपराध है एक हिसाब से, क्योंकि ये फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट में आता है। इधर पे देख लो आप जंगली कैसा है पूरा, इधर पे लेपर्ड हो गया आपका और अलग अलग, हाँ भालू हो गया आपका, अलग अलग जानवर होते हैं तो वो सीधे हमला कर देते हैं। तो टेंट जैसे कि सर बता रहे, छोटे छोटे टेंट होते हैं हमारे, कैंपिंग टेंट, ये देख सकते हैं आप जंगल कैसा है पूरा, ये यहीं से ही जंगल स्टार्ट हो गया। और ये लगे हैं बुरांस के फूल, ये उत्तराखंड का हमारा राज्य पुष्प है। और इधर पे अभी मोर भी थे, मेरे को सर बता रहा था, जो हमारे मोनाल हाँ मोनाल जो हमारे उत्तराखंड का राज्य पक्षी है वो भी था, बट वो उड़ गए अभी, वो भी दिखा देता मैं। बाकी ये है चोपता का व्यू, ये देख सकते हैं आप नीचे चोपता में पूरी बर्फबारी, बर्फ जमी हुई है अभी भी, बर्फ गल नहीं रही। और आज का जो मौसम है, आज तक के लिए बता रखा था, जो मैंने अपडेट देखी थी इनका मौसम विभाग की, तो वेदर अपडेट आज तक था कि आज तक यहाँ पे वो हो सकती है बर्फबारी हो सकती है, बट स्नोफॉल हुआ नहीं यहाँ पे। तो मैं 3 दिन रह चुका हूँ, अब आज जा रहा हूँ क्योंकि आज देख सकते हैं आप इधर से धूप आ गई पूरी, तो आज तो कोई चांसेस ही नहीं है स्नोफॉल का, वेदर भी बिल्कुल पूरा मौसम साफ हो चुका है। तो यहाँ से चलते हैं अब नीचे की तरफ, देखते हैं अब कहाँ तक पहुँचता हूँ आज। वैसे मैंने ऐसी जगह जाना है, मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं काम कर रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी जगह पहुँचूँ जहाँ पे नेट वगैरह चलता है। तो मैं सोच रहा हूँ सर से मैंने पूछा भी, जहाँ पे केदारनाथ की पालकी रहती है उखीमठ में, नेट चलता है ना सर वहाँ चलता है? हाँ, तो सर जी बता रहे कि वहाँ चलता है, तो देखते हैं वहाँ पे। अभी तो यहाँ से गाड़ी अभी नहीं मिलेगी, अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं भाई, सुबह सुबह उठ गया मैं, तो देखते हैं अब यहाँ से चलते हैं, बस मेरे को गाड़ी मिल जाए नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं अब आपको आगे। तो ये है चोपता का व्यू, सुबह का 7:30 बजे का व्यू देख रहे हैं भाई, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है तुंगनाथ मंदिर की। चारों तरफ इसके बुरांस के पेड़ हैं और बर्फ है आजकल। Thank you.
अभी मैं चोपता में आई हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी धूप आ चुकी है अभी, और इन वादियों का व्यू आप देख सकते हैं। मौसम आज पूरा क्लियर है भाई, 2-3 दिन से पूरा मौसम धूप ही नहीं दिख रही थी। और जो ये सामने वाली पहाड़ी आपको दिख रही है, इसी के पीछे है भाई केदारनाथ, देख सकते हैं पूरा बर्फ से वो अभी ढका हुआ है। अभी मैं चोपता से 2 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, बाय रोड आना पड़ रहा भाई। वैसे पैदल अगर मैं जाता तो यही 2 किलोमीटर मेरे को ओनली आधा किलोमीटर पड़ता। अब यहीं से मैंने अब नीचे से जो चोपता का नीचे के वाली रोड जाएगी, ये तो चोपता से आई अभी और ये दोबारा चोपता के नीचे ही जाएगी नीचे के लिए। तो एक्चुअली इसलिए आना पड़ता भाई बाय रोड, कि अगर मैं बाय रोड नहीं आऊँगा तो फिर गाड़ियाँ मिलेगी नहीं और फिर पैदल ही जाना पड़ेगा, तो फिर उसमें टाइम लग जाता, तो बाई रोड चलना पड़ रहा। सुबह सुबह गाड़ियाँ आई नहीं रही, एक दो गाड़ी आई थी उन्होंने रोका ही नहीं, चाहे किराया ले लेते पर रोका भी नहीं उन्होंने। फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप पूरे हाथ भाई कंप रहे हैं, यहाँ पे बर्फ आप देख सकते हैं चारों तरफ है, इधर पर बर्फ ही बर्फ, हर जगह बर्फ ही बर्फ रोड पर ही। तो अभी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, बाकी देखते हैं अब कब तक पहुँचते हैं। आधा घंटा हो गया मेरे को चलते चलते, तो 11 बज चुके हैं और मैं ऊपर से चल गया था 7:30 बजे चोपता से, तो 11 बज चुके हैं, अभी भी मेरे को कोई व्हीकल नहीं मिला भाई। मैं हिचाइकिंग करके जाता हूँ जैसे कि आपको पता है, तो यहाँ पे आया था मैं एक बीच में, यहाँ से 4 किलोमीटर बता रहे, तो मेरे को एक कैंप दिखा, तो अंकल जी ने मेरे को बुलाया ये यहाँ पे। यहाँ का नाम क्या है अंकल जी? यहाँ का नाम है बनिया कुंड। अच्छा बनिया कुंड, यहाँ से 4 ही किलोमीटर है ना तुम ना? यहाँ से ट्रैकिंग पॉइंट 4 किलोमीटर। अच्छा अच्छा हाँ, तो 4 किलोमीटर है जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो इन लोगों ने बुलाया ऊपर, चाय पी रहा हूँ अभी फिलहाल, उसके बाद देखते हैं। अभी एक्चुअली क्या है कि सुबह को लोग ज़्यादातर यहाँ से ऊपर जाते हैं, तो शाम को ज़्यादातर नीचे आते हैं, बट अगर मैं शाम को आता तो मैं शायद चल जाता जल्दी, बट अभी सुबह को नीचे के लिए बहुत कम लोग आ रहे, तो देखते हैं अब अगर आएगी गाड़ी तो उसके बाद बैठते हैं यहाँ से। तो भाई बात ऐसी है कि गांव जैसी है, अगर मैं अभी तक शॉर्ट ही शॉर्ट आ जाता चोपता से, मतलब शॉर्ट ही शॉर्ट ले लेता, तो अभी तक शायद मैं ऊखीमठ पहुँच जाता। वैसे तो 35 किलोमीटर है बाई रोड शायद लगभग, बट अगर मैं शॉर्ट ही शॉर्ट आता तो बहुत कम पड़ जाता है। जैसे गाँव का रास्ता होता है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, तो सेम यहाँ तक मैं आया था, तो यहाँ तक मैं 4 ही किलोमीटर आया। मैं सुबह 7:30 बजे का चला हूँ, 11 बजे पहुँचा मैं अभी, तो अंकल के यहाँ पे बैठा थोड़ी देर चाय पानी पी वहाँ पे, उसके बाद दोबारा उन्होंने मेरे को नीचे के लिए रास्ता बताया 4 किलोमीटर यहाँ से, 4 किलोमीटर वहाँ से दोबारा दुगल भिट्टा है। तो अगर मैं वहाँ से दोबारा से मैं वैसे ही जाता बाई रोड, तो 4 किलोमीटर मेरे को रोड ही रोड जाना पड़ता, और मैं वहाँ से शॉर्ट आया और यहीं पर ये कैंप लगे हैं ऊपर, ये देख सकते हैं आप, ये यहीं पर कैंप लगे हैं, इसके ऊपर ही रोड है और यहाँ से सीधा ये नीचे दिख गया दुगल भिट्टा, जहाँ पे मैं परसों भी फंस गया था जब मैं ऊपर के लिए आया था, तो भी मेरे को यहाँ से ऊपर के लिए गाड़ी नहीं मिल रही थी, अगर पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा तो देख सकते हैं। सिर्फ 1 किलोमीटर का अंतर है यहाँ से यहाँ तक, बट भाई प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं शॉर्ट ही शॉर्ट आऊँ तो क्या है कि गाड़ियाँ फिर ऐसी जगह तो चलती नहीं है गाड़ियाँ, तो हमने हिचाइकिंग करके जाना होता है, तो गाड़ियाँ फिर नहीं मिलती है, फिर ये है कि पैदल ही रास्ता बचा रहता है, पैदल ही अपने पास एक मात्र तरीका बता होता है चलने का जाने का, और ऐसे में ये है कि पैदल भी जा रहे हैं अगर रोक देते हैं फिर गाड़ी में भी चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, तो इसलिए रोड से जाना पड़ता है। तो जहां से मेरे को परसों गाड़ियां नहीं मिल रही थी ऊपर से, जहां से मेरे को पुलिस वाले सर ने उन्होंने बिठाया था, सेम वहां पे अभी तक मैं आ गया था पूरा ऊपर से पैदल 8 किलोमीटर दुगल भिट्टा, तो वहां से मेरे को एक भाई मिले अभी, उनकी गाड़ी में बैठा हूँ, ये ब्रदर है ये लेके जा रहे हैं। आप कहाँ तक जाओगे भाई जी? अच्छा तो अगर तो भाई जी को आगे सवारी मिल गई फिर तो हम उतर जाएंगे, और अगर नहीं मिली तो भाई जी के साथ ऊखीमठ तक जाएंगे। तो 1:45 हो चुके हैं और अभी पहुंच चुका हूं मैं फाइनली ऊखीमठ में। ऊखीमठ यहां से और ऊपर जो चोपता की दूरी है, मैंने आपको जैसे ब्लॉग में बताया कि लगभग 35 किलोमीटर है, बट मेरे को जो जिस भाई के साथ में अभी आया है वो बता रहा था कि 31 किलोमीटर की दूरी है। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और ये जो जगह है, इस जगह का नाम ऊखीमठ जो मार्केट है वो यहाँ से 500 मीटर ऊपर है, बट जो ये जगह है इस जगह का नाम है भटवाड़ी है इस गांव का नाम, और जो भगवान केदारनाथ की, श्री केदारनाथ की जो डोली या पालकी आप बोल सकते हैं, जो उसका रहता है वो इसी गांव में रहता है, और उस मंदिर का नाम है श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, ये लिखा हुआ भी वहाँ पे, दूरी 500 मीटर ये देख सकते हैं। और ये जो रूट जा रहा है ये जा रहा है चोपता के लिए, और ये गाँव है, ये
ये देख सकते हैं आप, और यहीं से ये देखो ये जा रहा है इधर पे ऊखी मठ के लिए, सॉरी ऊखी मठ मार्केट तो ऊपर है, ऊखी मठ के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। ये मैंने अपना बैग रखा हुआ है यहाँ पे, और ये इसके बारे में लिखा हुआ ओमकारेश्वर टेम्पल के बारे में, ये आप रीड कर सकते हैं पॉज करके, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में तो कहीं भी मेरे को नज़र नहीं आ रहा। और ये चले गया ओमकारेश्वर के लिए, हिंदी में ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी आप पढ़ लेना पॉज करके। तो ये रास्ता जा रहा ओनली 500 मीटर यहाँ से दूर है ओमकारेश्वर मंदिर। बाकी जो ऊखी मठ है, ऊखी मठ के बारे में आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये प्रॉपर ऊखी मठ जो है, ऊखी मठ में तीन से कितने गांव आते हैं भाई? ये भाई मेरे को यहीं मिला अभी जैसे ही मैंने बैग रखा नीचे। आपका गुड नेम बता दे पहले अपना नाम। ऋतिक पवार। हाँ ऋतिक पवार है। तो ऊखी मठ में कितने गांव आते हैं? इसी गांव का है ना आप, इसी गांव के है ना? इस गांव का नाम क्या है? भटवाड़ी। इस गांव का नाम है भटवाड़ी, और भटवाड़ी वैसे हमारे उधर बहुत फेमस है। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो उत्तरकाशी में एक 6 ब्लॉक है, तो 6 में से एक ब्लॉक भटवाड़ी है, तो ये इस गांव का नाम भी भटवाड़ी है। तो मतलब जो आपका ये ऊखी मठ है, ऊखी मठ में कौन कौन से गांव आते हैं? भटवाड़ी एक हो गया, डंगवाड़ी दो हो गया, चुन्नी मंगोली तीन हो गया, बछवाड़ी चार हो गया, मतलब 4 गाँव आते हैं। अच्छा तो ऊखी मठ कोई मतलब ये ब्लॉक है, ये ऊखी मठ यहाँ का क्या है? ये हाँ ब्लॉक ही है। अच्छा ब्लॉक है। तो इस ऊखी मठ में प्रॉपर 4 गांव आते हैं। जो इसका मार्केट है वो ऊपर है, इसका मार्केट यहाँ से 500 मीटर ऊपर है ना, अब 500 मीटर दूरी यहाँ से आगे मंदिर है। तो ओमकारेश्वर मंदिर चलते हैं, वहाँ के आपको दर्शन करवाते हैं, उसके बाद मैं कैंपिंग का देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वीडियोज़ पड़ी है। मैंने ऊपर वाली वीडियोज़ अभी कुछ नहीं डाली चौथा की, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, और यहाँ पर नेटवर्क ठीक है। और यहाँ से एक जो जगह है कुंड भी मार्केट है, वो यहाँ से कितना किलोमीटर है भाई? दो नहीं 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर भाई, थोड़ा कैमरे के आगे बोल रहा था कि मेरे को कैमरे में मत लेना, मैं कहा चलो कोई नहीं, मेरे को तुम बता देना थोड़े इसके बारे में। तो 6 किलोमीटर यहाँ से लिखा हुआ था। बाकी चलते हैं अब आगे ओमकारेश्वर मंदिर। यहाँ पे होली की तैयारी चल रहा है, बोल भाई भाग गया तो यार, होली की तैयारी चल रही गाँव में अभी। बाकी उठाते हैं बैग अब, उसके बाद कैंपिंग की जगह देखते हैं कहीं। सो एक्चुअली जो ऊखी मठ है, ऊखी मठ नगर पंचायत भी है, ब्लॉक भी है, और तहसील भी है। सो जो भाई बता रहा था मेरे को कि ऊखी मठ में 4 गांव आते हैं, वो इस नगर पंचायत में 4 गांव आते हैं, जिसमें से जो भटवाड़ी गांव है वहीं पे ओमकारेश्वर मंदिर है, और जो श्री केदारनाथ की जो पालकी या डोली जिसको आप बोलते हैं वो यहीं पर रहती है 6 महीने शीतकालीन में। बाकी जो ये ब्लॉक है ऊखी मठ ब्लॉक, इसमें टोटल 145 गांव आते हैं लगभग, और इस तहसील में लगभग 248 गांव आते हैं ऊखी मठ में। बाकी आगे चलते हैं अब यहाँ से। और हाँ, जो ऊखी मठ है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि उत्तराखंड का एक जिला है। और अब चलते हैं यहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर में, वहाँ दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय। तो ये है भटवाड़ी गांव, यहाँ से हम आए, यहाँ से हमने स्टार्टिंग करी, और ये देख सकते हैं आप, ये नीचे रोड आ रही है, ये नीचे चोपता वाला जो रोड जाता है ऊपर, और ये गांव है, ये देख सकते हैं आप, ये गांव के लिए रास्ता जा रहा बीच में, भटवाड़ी गांव है। और जो सामने आप देख पा रहे होंगे ये है मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ पे 6 महीने श्री केदारनाथ की पालकी रहती है। जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ये ऊपर है ऊखी मठ मार्केट, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से मैंने बताया था जैसे आपको 500 मीटर है ओनली। बाकी अभी आगे चलते हैं, अब मंदिर में मंदिर का व्यू दिखाते हैं आपको। सो अभी पहुँच चुका हूँ मैं फाइनली ओमकारेश्वर मंदिर में। बैग मैंने अपना यहाँ पे रख दिया, ये अपना साइड पे मैंने रख दिया बैग यहाँ पे, और ये इसका मंदिर का फ्रंट गेट, ये देख सकते हैं ये मंदिर है भाई। और मेरे साथ अभी दूसरा भाई ज्वाइन हुआ है, ये उसी का दोस्त है मतलब। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो गांव पड़ता है ये भटवाड़ी पड़ता है, बट इस भाई ने मेरे को बताया कि ये गांव 2 पार्ट्स में हो चुका है, पहले एक ही गांव था भटवाड़ी, बट अब ये वाला जो मंदिर है, मैंने इससे पहले आपको भटवाड़ी में बोला कि भटवाड़ी में ओमकारेश्वर मंदिर, बट ये डंगवाड़ी गाँव पड़ जाता है। और जो ये सामने वाला गाँव है ये है भटवाड़ी, यानी खड पार अब भटवाड़ी हो गया, और खड आर डंगवाड़ी हो गया, जहाँ पे ये ओमकारेश्वर टेम्पल है। सॉरी सर। सो अब चलते हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने, तो हर हर महादेव। तो ये है भाई अंदर का नजारा, सेम जैसे केदारनाथ का मंदिर है सेम वैसी है, ये देख सकते हैं आप। केदारनाथ मंदिर की तरह है बिल्कुल सेम।
यहाँ लिखा हुआ है श्री हिमवत केदार बैराग्यम सिंहासन महापीठ ऊषा मठ। एक्चुअली इसका पुराना नाम ऊषा मठ था, अब उखी मठ हो चुका है। तो यहाँ पे नीचे साउथ की जो लैंग्वेज है तेलुगु तमिल उसमें भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी। तो अभी यहाँ पे चलते हैं दर्शन करने। तो मैं मंदिर के दर्शन करके आ चुका हूँ और अभी मैं मंदिर के बाहर हूँ। मंदिर के इतिहास के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो वाणासुर की पुत्री थी उषा और भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध, उनका विवाह इसी मंदिर में पड़ा था। और इस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर मंदिर क्यों पड़ा इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि भगवान राम के जो पूर्वज थे उन्होंने यहाँ पे 12 वर्षों तक एक टांग पे खड़े होके सांसारिक सुखों को त्याग कर यहाँ पे तपस्या करी थी। और उसके बाद भगवान शंकर ने उनको ओम के रूप में, ओंकार के रूप में यहाँ पे दर्शन दिए थे। उसके बाद इस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर मंदिर पड़ा था। तो ये है इस मंदिर की थोड़ी बहुत हिस्ट्री। बाकी और भी आपको बता देता हूँ, जो पंच केदारों में से एक तो केदारनाथ हो गया, उसकी पालकी भी, उसकी डोली भी 6 महीने तक यहीं रहती है, नवंबर से लेके अप्रैल तक, जब तक शीतकालीन होता है। और सेम जो मधमहेश्वर होता है, मधमहेश्वर के भी 6 महीने कपाट बंद होते हैं। तो जिस टाइम पे कपाट बंद होते हैं उनका भी यहाँ पे 6 महीने तक यहीं पे ही उनकी डोली रहती है। तो जो केदारनाथ और मधमहेश्वर दो केदार हैं पंच केदारों में से, उनकी डोली यहीं पर रहती है। वो 6 मंथ तक उनकी जो पूजा होती है, अर्चना होती है, वो यहीं पर होती है। तो ये है इस मंदिर का थोड़ा बहुत इतिहास। बाकी अब यहाँ से चलते हैं आगे। मैं कैंपिंग की जगह देख रहा हूँ, अगर मेरे को यहाँ पर मिलती है तो ठीक है। वैसे यहाँ पर नेट सही चल रहा है क्योंकि अपना थोड़ा वीडियोज बची है। चोपता से जब मैं आया था तो उधर पे नेट बिल्कुल चल नहीं रहा था, मैंने वीडियो एडिट करी हुई है तो इसलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ पे सही चल रहा है नेट। बट अगर कैंपिंग की जगह मिलती है तो ठीक है, वैसे गांव में थोड़ा लोग दिक्कत करते हैं। नहीं तो फिर यहाँ से 6 किलोमीटर नीचे कुंड है एक जगह, जहाँ पे डैम है, डैम के नाम से कुंड बोला जाता है, जो कि मेरे को अभी बताया लोगों ने। तो वहाँ पर चलूँगा, उसके नियर बाई कहीं पर जगह देखूँगा, बस नेट चल जाए वहाँ से। नहीं तो फिर वहाँ से अगस्त मुनि भी जाना पड़ सकता है। अभी 3:30 हो चुके हैं तो चलते हैं अब यहाँ से। बैग उठाते हैं, बैग मैंने इधर रखा हुआ इधर साइड, तो चलते हैं बाजू मिलते हैं आपको बस। तो मैं अभी उखी मठ गाँव से नीचे तक आ गया था पैदल पैदल। मैं आगे चल रहा था यहाँ से, जैसे कि मैं आपको बता रहा था गाँव में सही नहीं होता थोड़ा कैंपिंग करना। तो मैं आगे जा रहा था कुंड की तरफ, तो मेरे को एक भाई जी मिले यहाँ पे, ये भी अपने यहीं के ही हैं, उखी मठ के ही है ना भाई? उखी मठ के। अच्छा, प्रॉपर उखी मठ के। तो आप अभी कहाँ तक जाओगे? मैं जाऊँगा भाई गुप्तकाशी। अच्छा, तो ये भाई जा रहे हैं अभी गुप्तकाशी तक। तो मैं देखता हूँ अगर कुंड में तो नेटवर्क पकड़ेगा बढ़िया, तो फिर क्योंकि अपना नेटवर्क का ही काम है रात को, कुंड में ही रुकूंगा, नहीं तो भाई के साथ गुप्तकाश तक चलूंगा। भाई के साथ चलते हैं फिर। चलो भाई जी, तो अभी निकल चुके हैं हम उखी मठ से गुप्तकाशी के लिए। एक्चुअली कुंड में मेरे को भाई ने बताया कि कुंड में थोड़ा मकान वगैरह है नहीं, सिर्फ दुकान है वहाँ पे, और वहाँ पे बाघ भूख का भी डर है इधर पे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल बाघ बहुत है श्रीनगर साइड इधर साइड। तो गुप्तकाशी में मार्केट भी बड़ी है, वहाँ पे सामान वगैरह भी मिल जाएगा। तो अभी शॉर्ट में जा रहे हैं हम, ये जो रास्ता है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, भाई बोल रहा है शॉर्ट रास्ता जाता है। देख सकते हैं आप, रोड थोड़ा उतनी अच्छी नहीं बनी है, बट ये है कि ये शॉर्ट रास्ता है, इससे 4-5 किलोमीटर शॉर्ट हो जाता है और इससे हमें कुंड नहीं जाना पड़ेगा। तो ये रास्ता सीधा शॉर्ट है। ये उखी मठ से ही थोड़ा आगे आके एक बाईपास कट जाता है एक हिसाब से, और इधर से ज़्यादातर यही गाड़ियाँ चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। ओ भाई, और ये यात्रा करके ही बनाया है दो रास्ते, क्योंकि ताकि जाम ना लगे। तो एक जब यात्रा चलेगी तो कुछ लोग इधर से भी और उधर से भी जाएंगे। तो जो भाई के साथ मैं उखी मठ से आया था गुप्तकाशी तक, उन्होंने अभी छोड़ दिया, वो आगे जा रहे हैं कहीं गांव में अपने ससुराल को। बाकी मैंने अभी बैग अपना इधर पे रखा हुआ है, यहाँ पे एक शॉप है, मैंने फ़ोन चार्ज करना था, मेरे फ़ोन बिल्कुल डेड है भाई, बट यहाँ पे लाइट ही नहीं है भाई लोग बता रहे। तो अब देखते हैं यहाँ पे कहीं कैंपिंग की जगह। ये गुप्तकाशी मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब मेन गुप्तकाशी आगे है ना भाई, यही है ना? हाँ, तो यहाँ पे इन भाइयों के यहाँ पे रखा हुआ है थोड़ी देर सामान। अब देखते हैं कैंपिंग की कोई जगह। 4:30 हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी पहुँच चुका हूँ मैं गुप्तकाशी के बस स्टैंड पे। ये यहाँ का बस स्टैंड है भाई, जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ से केदारनाथ की दूरी आपको दिख रही होगी सामने, 47 किलोमीटर लिखा हुआ, गौरीकुंड 33 किलोमीटर है। तो गौरीकुंड ही है मेन, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। बाकी जो ये मार्केट है, ये देख रहे हैं आप गुप्तकाशी मार्केट, गुप्तकाशी की मेन मार्केट है। अभी मैं इससे पहले जो मार्केट पड़ता है जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे था, तो उधर पे मैंने कैंपिंग की जगह देखी थी, तो मैंने पूछा था एक दो लोगों को, मना कर रहे उधर पे, तो इसलिए मैं अभी इधर की साइड आ गया। अब आगे जाऊँगा यहाँ से, इधर की साइड देखूँगा आगे। गुप्तकाशी में मैं 4 बजे का आ रखा हूँ और अभी हो रहे हैं 6:30। मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 मंदिरों में यहाँ पे पता कर लिया, बट हर जगह मना किया,
पहले आया था मैं गुप्त काशी का, जो काशी मंदिर है वहाँ पे पूछा, उन्होंने भी मना किया। उसके बाद वहाँ पे काली कमली वाले बाबा का आश्रम है, उन्होंने भी मना किया। उसके बाद आगे गया था दिव्य धाम करके एक मंदिर है, उन्होंने भी मना किया। हर जगह मना किया, इसलिए मैं मंदिरों में ज़्यादातर पूछता नहीं। मेरे को पता है कि ज़्यादातर रिजेक्शन ही मिलती है, इसलिए मैं शायद अगर अभी तक कैंपिंग कर लिया होता तो अभी तक अपना खाना पीना बना के अपना काम कर रहा होता। बट मैंने सोचा थोड़ा नहाना था और अपने कपड़े वगैरह वॉश करने थे, बट उन लोगों ने सबने मना कर दिया। तो अब 6:30 हो चुके हैं, 2.5 घंटे मैंने टाइम वेस्ट ही कर लिया एक हिसाब से। अब इसके बाद थोड़ा अंधेरा पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाती है कैंपिंग में, तो अब जगह देखनी पड़ेगी, उसके बाद कैंपिंग करना पड़ेगा। अभी मैं गुप्त काशी में ही हूँ, मार्केट में यहाँ पे। सो गुप्त काशी से मैं 1 किलोमीटर आगे आ गया था, मैं एक्चुअली कैंपिंग करने आ रहा था आगे, तो कुछ भाई लोग बैठे थे शॉप पे, मैं उनको पूछ रहा था, मैंने कहा कैंपिंग किधर करनी है। तो मेरे लिए ऑलरेडी रात हो चुकी थी, 7 बज चुके थे भाई शाम के, और 7 बजे पूरा अंधेरा हो चुका था। तो भाइयों ने बोला कि आप हमारे साथ चल सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली थोड़ा वहाँ पे ऊपर तुंगनाथ में कपड़े वगैरह थोड़ा गंदे हो चुके थे और नहाना भी था, तो इस वजह से मैं भाइयों के साथ आ गया, कैंपिंग करी नहीं मैंने। तो ये भाई है हमारे जिनके साथ मैं आया, आपका नाम ब्रदर? अंकित। हाँ, अंकित भाई के साथ आया हूँ। और ये गांव जो पड़ता है ये है नाला गांव, जो कि गुप्त काशी से 1 किलोमीटर आगे। बाकी भाई जो ये आज का ब्लॉग है उसको यही एंड कर रहा हूँ। सो होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए बाय।